बलिया जिले में बहेरी गांव में नोडल अधिकारी से ग्रामवासियों से शिकायत किया गया कि हमारे गांव का विकास प्रधान भेदभाव करते हैं, इसलिए हमारे गांव का विकास कार्य नहीं हो रहा है। कई जगह पर सड़कों पर पानी रुका पड़ा है, जिसमें कई लोग बीमार हो रहे हैं। इस मामले को गंभीरता लेते हुए नोडल अधिकारी सौथिल पंडियान सिंह ने वीडियो आदेश जांच करने के लिए मौके पर भेज दिया। बताया जा रहा है नोडल अधिकारी के आदेश के बहरी गांव से जांच करने के लिए आए हुए समस्याओं को नाली का जैसे सांसद निधि और आपको बता दें विधायक निधि किसी भी तरह से इसे बनवाया जाए। ग्राम प्रधान का कहना है कि विकास कार्यों के गांव के कुछ लोग को वर्धित करें, इसलिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। वहीं ग्राम सभा के लोग को ना आए जाए, ग्राम प्रधान हमारे भेदभाव करते हैं, इसलिए हम एरिया में कोई कार्य नहीं करवा सकते। आप देख सकते हैं फ्रेंड के न्यूज चैनल के लिए। पर्चे बताइए, नाम बताइए अपना। कहाँ के रहने वाले हैं? नाम बताइए, अगर नाम बताइए। कौन सा थाना आपका है? थाना कौन सा आता है? क्या मामला है? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं। पर्चे बता दीजिए। पर्चे बताओ। नाम समा है। कहाँ के रहने वाले हैं? बहरी के रहने वाले हैं, रिया टोला जी। कौन सा थाना आपका पड़ेगा, कौन सा जिला आपका है? मेरे को तो वाली पड़ता है यहाँ चौकी। क्या मामला है? मामला है कि देखिए मैं रास्ता एकदम हो गया है, नाली का बुलाए जी। उनके निर्देश पे आप यहाँ आए? उनके निर्देश पे आए हैं डीएम साहब के, तो यहाँ की समस्या देख लिए हैं, तो दोनों बिंदुओं पे उनसे बात हो जाएगी कि सर परमानेंट इलाज के लिए जो है यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जिस दिशा में ढाल है, पानी का बहाव है, उस दिशा में काम कराया जाएगा, और जो सफाई का मामला है उसको रेडियो पंचायत से मिल करा दिया। न्याय कर लीजिए, और हमने बार बार हम लोग देखा विरोध करते हैं उसके लिए, तभी वो कहते हैं कि हम सरकार में हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे जी। तो आपने किसी उस अधिकारी को या किसी को आपने क्या दिया? डीएम साहब को दिया, जहाँ उसके बाद डीएम साहब के देने के बाद अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो हमने आज नोडल अधिकारी साहब को जाकर पत्र दिया। उसके बाद आज वीडियो साहब ने आज मौके पर आकर निरीक्षण किया। उसके अब निरीक्षण करने के बाद कोई भी टाइम डिसाइड नहीं हुआ कब तक कार्य में दर्शाया गया है। तो ड्राइंग जिस मामले में संज्ञान दिया गया था एसडीएम महोदय को, ऐसा ऐसा मामला ग्राम का आया है जिसमें जो दिखाया गया उसमें डी की जमीन दिखाई जा रही है, उसी के आधार पर उनको जो उस पेपर के हिसाब से उनको स्टे मिला था। लेकिन आप जो बात बता रहे हैं वो आप अपने पक्ष की बात बताइए कि सच्चाई उसमें क्या है सर जी, क्योंकि आप सम्मानित एक चुने हुए प्रधान है। सर जी ये है कि मौखिक हम कह रहे हैं कि आपका मकान हमारा हो जाएगा, तो मैं खुद न्यूज़ के लिए पेपर है, लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, तहसीलदार महोदय हैं, एसडीएम महोदय हैं, उनके यहाँ से कोई प्रमाणित पेपर अब तक उन्होंने नहीं लाया कि ये हमारी डीह की जमीन है। और अगल बगल चारों तरफ बंजर की जमीन है, उसी जमीन पर उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के पटीदार हमारे नूरुद्दीन साहब बंजर की जमीन को अकेले लड़ रहे हैं। उसी जमीन पे, उसी के बगल में हमारे इसराफिल साहब, हमारे यूसुफ साहब बंजर को अकेले लड़ रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।